बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में. मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद. बिलीव्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड बिलीव्स हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय. यानी आपके बिलीव आपको बना भी सकते हैं और आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. शायद इसीलिए कहा गया कि पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. क्या साइंटिफिक रीजन है इसके और क्या एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर पॉजिटिव अप्रोच रखकर शेयर बाजार में मुनाफा कमा सकता है, आइए जान लेते हैं. हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं. सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका. पॉजिटिव बिलीफ रखने चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड शेयर बाजार में भी काम करेगा? जो चीज़ आपकी लाइफ में काम करती है वो शेयर बाजार में क्यों काम नहीं करेगी? शेयर बाजार भी तो आपकी लाइफ का पार्ट है. आप देखिए, अपनी लाइफ में जब भी आप पॉजिटिवली सोचते हैं, आप में एक खास तरह का एनर्जी आता है, खास तरह का एटमॉस्फेयर आपके आसपास खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाता है. आप एफर्ट नहीं करते हैं उसके लिए, फिर भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है. पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे, नेगेटिव लोगों को नेगेटिव लोग मिल जाएंगे. जिस तरह का आपका हमारा खुद का एनर्जी होता है जी, ये लॉ है. एक्चुअली हम एक तरह का एनर्जी छोड़ते हैं अपने से, राइट? तो हमें उसी तरह की सेम एनर्जी वाले लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट? तो इसी तरह से चीजों के साथ भी होता है, इसी तरह से स्टॉक्स के साथ भी होता है, इसी तरह से प्रॉफिट के साथ भी होता है, इसी तरह से लॉस के साथ भी. यानी बिफोर वी गो फर्दर हम ये चीज समझ ले कि आप बोल रहे हो कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि ये जो ऊर्जा ये एनर्जी है हम सब इसके इटर्नल पार्ट ही हैं. एक पॉजिटिव एनर्जी अगर हमसे निकलती है तो वो पॉजिटिव लोगों को ही सिर्फ अट्रैक्ट करती है. पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है जी. आपके स्टॉक मार्केट में आप काम करें, आपके लॉस को अट्रैक्ट करती है, आपके मुनाफे को अट्रैक्ट करती है, राइट? आज देखिए स्टॉक मार्केट में, हम स्टॉक मार्केट का शो है, हम उसी की बात करेंगे. मार्केट में जब लोग जाते हैं वो सबसे पहले सौदा डालते हैं, ट्रेड लेते हैं कोई, और जो भी व्यूअर देखने वाले हैं वो सोचे वो क्या चाहते हैं. वो सीधा कहते हैं हमें लॉस तो नहीं होगा. तो लॉस जरूर होगा आपको, यानी नेगेटिव चीज सोच रहे हैं. आप नेगेटिव चीज सोच रहे हैं. आपने कभी ये सोचा कि मुझे प्रॉफिट होगा? मैं सौदा डाल रहा हूं, मैं चीज ले रहा हूं, मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं सोचा. हमें सोचा लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा. उल्टा चीज सोचते हैं हम, राइट? ये एक लॉ है, इस पर एक पूरा बुक आ चुका है सीक्रेट के नाम से, सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा. आपको बताऊं ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत. आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें बन सकते हैं. हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. और बहुत सारी बुक्स भी इस तरह के लॉ पर बनी हुई हैं, चाहे वो साइंस ऑफ गेटिंग रिच हो या फिर द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन, इस तरह की कई बुक्स हैं. बहुत 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 बुक्स हैं, राइट? और हर एक में एक्चुअली लॉ एक ही है, ये नेचुरल लॉ है. लॉ क्या कहता है कि सेम एनर्जी की चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण का सिद्धांत. ये हमें उन चीजों को लेने में हेल्प करती है जिन्हें हम एक्चुअल दिल से चाहते हैं, right. कि वो हमें मिले जी. जिंदगी का एक बहुत सच है कड़वा, कि हम जो भी चाहते हैं देर सवेर हमें मिल जरूर जाता है, राइट? जरूर मिल जाता है हमारे को, ये मेरा एक्सपीरियंस है. और हम सबका एक्चुअली देर सवेर मिल जाता है, है. इसीलिए अगर आप गलत चीज के बारे में सोचते रहेंगे, गलत चीज के बारे में चाहेंगे, हालांकि आप चाहते सही हैं. जो लोग ये सोचते हैं कि लॉस तो नहीं हो जाएगा, एक्चुअली वो प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के बारे में कभी सोचते नहीं है, राइट? मतलब आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए. आपका मकसद वही है कि मुनाफा कमाना है, लॉस ना हो जाए, लेकिन आपकी सोच ये होनी चाहिए लॉस नहीं, पहले प्रॉफिट को सोचो, प्रॉफिट होगा. हाँ, एक साइंटिस्ट ने 1914 के अंदर शायद एक लॉ पे काम किया था, उसको लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट. ओके, उस लॉ का वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ कहता है कि आप किसी काम को इस तरीके से कर सकते हैं, आप किसी काम को इस तरीके से कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं रिजल्ट उसके उल्टे हो. अच्छा, वो लॉ है. ओके, वो कहता है कि आप किसी भी काम को इस ढंग से कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं रिजल्ट आपके उल्टे आए उसके. जैसे एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है, मान लीजिए वो रोड पे जा रहा है, रोड के बीच में एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, तो वो सीख रहा है, उसे आती नहीं है चलानी, तो उसकी एनर्जी क्या कहती है कि मैं कहीं इस पत्थर से टकरा ना जाऊं, वो उसी के बारे में सोचता रहता है. और जो भी लोग साइकिल चलाना सीखे हैं, सभी सीखे होंगे, वो जानते हैं कि वो उस पत्थर से जरूर टकराते हैं. कोई निशाना लगा के भी पत्थर पे जाए तो हो सकता है ना टकराए, लेकिन वो अनाड़ी आदमी जिसको चलाना नहीं आता वो टकरा जाता है. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट.
आप जो नहीं चाहते उसके बारे में जिस दिन आप सोचना शुरू करते हैं ना, वो काम आपके साथ होने शुरू हो जाता है। यानी फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस, हम सबके साथ रोज होता है, यानी अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं और हम सोचते हैं यार आज मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगी, मुझे ट्रैफिक तो नहीं मिल जाएगा, मुझे रेड लाइट्स तो नहीं मिलती रहेंगी, और वही होता रहता है, वही होता है आपके साथ। आप जिस चीज की नेगेटिविटी के बारे में सोचते जाएंगे वो चीजें आपके साथ डे बाय डे होती जाएंगी। हमको हर समय, आप देखिए, आप हिस्ट्री के अंदर जाइए, जितने बड़े आदमियों की हिस्ट्री बायोग्राफी आपको मिले उठा के पढ़िए, एक चीज आपको उनमें जरूर कॉमन मिलेगी, एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी उनके अंदर कि उन सबको ये विश्वास था कि वो एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। जी, चाहे बड़े बड़े नाम हो जाए इसके लिए, कई कोई बड़े नाम हो, वो हर आदमी उनमें से जानता था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनूंगा, क्योंकि उनका मन, उनका दिमाग इस चीज को मान चुका था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो आपको ना नेचर उस रास्ते पे ले जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जिस चीज के बारे में आप प्लान करते हैं, जिस चीज के बारे में आप अपना सारा दिन व्यतीत करते हैं, आप एक ना एक दिन उस चीज को पालेंगे, उस चीज को पालेंगे। यानी अगर आप एक एग्जांपल, एक सिनेरियो अगर हम माने कि, यानी हमें अपनी सोच ऐसी रखनी होगी, अगर हमें लगे कि एक एनवलप आपके घर आया है, उस एनवलप में आप सोचो कि कहीं बिल तो नहीं है, तो आप खोलोगे तो क्या वो बिल ही निकल आएगा? और अगर आप सोचोगे नहीं इसमें चेक मिलेगा मुझे, तो चेक निकल के आएगा। बिल्कुल, यही सोच का डिफरेंस है ना एक्चुअली। जो आदमी ये सोच रहा है उसमें चेक होगा, इट मींस वो एक ऐसा आदमी है जो चाहता है कि मेरे पास पैसा आता रहे या मैं पैसे में खेलूं, और एक ऐसा आदमी जो ये सोच रहा है कि उसके अंदर कोई खर्चा होगा मेरा, वो सारी जिंदगी अपने खर्चों के बारे में सोचता है, हिसाब लगाता है क्या पड़ा है क्या जाएगा। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं, लगता है कर्ज का नोटिस होगा तो वो नोटिस जरूर आएगा, और आप कहेंगे आपने ठीक ही सोचा था। और इसी तरह हर रोज आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, क्या कर्ज का नोटिस आएगा? हाँ नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस की ही उम्मीद की थी तो वो आया। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा आपके विचारों के प्रति वफादार होता है। यानी अगर आपने एक घर लिया है होम लोन पर, तो अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अपने होम लोन की किश्त अदा करनी है, ईएमआई पे करनी है, ईएमआई खर्चे के बारे में मत सोचिए, कमाई के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं बस पे ऑफ कर रहा हूँ, मैं पे ऑफ करता जा रहा हूँ। आप देखिए, ऐसा है, हमारी नेचर का पार्ट है, पानी आगे तभी जाएगा जब पीछे से आएगा। राइट, आप जाने का रास्ता खोल दीजिए, आने का रास्ता अपने आप बन जाएगा। राइट। अच्छा एक और सुनील, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हो कि, यानी हम, मैं, आप या हमारे करोड़ों दर्शक जो हैं, जो आम लोग हैं, क्या हम सब में ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी वक्त हम अपना इकोनॉमिक स्टेटस बदल सकते हैं? आप इकोनॉमिक स्टेटस तो बहुत छोटी बात है, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि हाँ मैं। सबसे बड़ी एक्चुअली दिक्कत यही है कि ये सोचना आसान है, मानना बहुत मुश्किल है, अपने आप को ये एहसास करा पाना। एक भिखारी को आप बोलिए तुम मान ले राजा है, वो कहे कैसे मान लूं, खाने को पैसे नहीं है, मान कैसे लूं, ये मानना ही तो बहुत मुश्किल है। जी, आप सोचिए, आप किसी आदमी को सोचिए कि आपको कोई भी दिक्कत है, आप मानो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मानेगा? जी, ये प्रोग्रामिंग है। चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने समझ लिया कि आप जो सोचेंगे, जो सच में चाहते हैं उसके बारे में सोचने लग जाए। अब इसे इंप्लीमेंट कैसे करें? अगर सपोज कि जब आपने एक आम निवेशक का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक आम इन्वेस्टर है, उसे लगता है कि मुझे वो सोचना छोड़ देता है कि उसे लॉस नहीं होगा, वो सोचेगा आज मुझे प्रॉफिट होगा, तो कैसे अप्लाई करे वो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या वो सोचता रहे लगातार यही बात? नहीं, सबसे पहले तो देखिए अपना काम तो पूरा करे, उसके बाद में जब जिन चीजों से डर लगता है एक्चुअली, सबसे बड़ा डर क्या है कि मुझे लॉस ना हो जाए, जिन चीजों से डर लगता है उन चीजों के लिए डिसिप्लिन बनाए और छोड़ दे उसके बाद। डिसिप्लिन, जब आप किसी चीज को किसी चीज से बांध देते हैं, आपने स्टॉप लॉस की हम बात करते हैं हर बार, वो डिसिप्लिन है एक्चुअली कि मैं इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। जब आपको ये मालूम है कि मैंने 10 ट्रेड लिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा इस 10 ट्रेड में 20,000 रुपए का लॉस होने वाला है जो मैंने पहले फिक्स कर रखा है, हर स्टॉक का मुझे स्टॉप लॉस पता है, 4 लॉस वाले स्टॉक से ज्यादा मैं लूंगा नहीं, 5-6 में मुझे प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो जब ऐसा आपके साथ, आपको ये पक्का पता होगा अंदर से, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, और जिस दिन डर खत्म होगा उस दिन जब आप ट्रेड डालेंगे आप लॉस के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे मुझे किस किस में कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। और जो लॉस वाला ट्रेड है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ द गेम है, उसमें से सिर्फ बाहर निकलना है हमको और कुछ भी नहीं है। चलिए, यानी सबसे पहले आपको एक इरादा बनाना होगा, आपको एक मकसद तय करना होगा, आपको लक्ष्य तय करना होगा, और उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेना होगा, उसकी डायरेक्शन में काम भी करना होगा। लेकिन सुनील, एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ऐसी अप्रोच हर इन्वेस्टर रख ले, हर ट्रेडर रख ले, तो इस दुनिया में तो सारे बिलियनेयर ही हो जाएंगे। मैं ये सवाल सुनील से पूछ चुकी हूं, लेकिन जवाब आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जाने से पहले याद दिला दे bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है हम तक जरूर भेजे, जल्द वापस हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और हम यहाँ बात कर रहे हैं आकर्षण के सिद्धांत की, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और इस एपिसोड में कोशिश यही है कि क्या हम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव सोच से क्या वाकई करोड़पति या फिर बिलियनेयर बन सकते हैं। जान लेते हैं, हमारे साथ सुनील बने हैं। सुनील, मेरा क्वेश्चन आपसे वही है कि अगर सब ऐसी सोच रखने लग जाए कि आज मुझे अपनी तरफ से रिसर्च करें, अपनी पार्ट पे जो भी उन्हें रिसर्च करनी है, अपने एक सिस्टम बनाए, डिसिप्लिन सिस्टम बनाए, स्टॉप लॉस भी तय कर ले और पॉजिटिव सोचने लग जाए कि मुझे आज प्रॉफिट ही होगा, अगर ऐसा सब करने लग जाए तो सभी वेल्दी हो जाए? वेल्दी तो हो सकते हैं, आपने बिलियनर शब्द यूज किया। देखिए, सोच पॉजिटिव आपको बहुत जगह ले जा सकती है, लेकिन आप ये बात समझ के चलिए कि हर आदमी की जरूरतें अलग है, हर आदमी की सोच अलग है। हर एक आदमी को सिंगर नहीं बनना, हर एक को हॉकी प्लेयर नहीं बनना, हर एक को करोड़पति नहीं बनना। एक आदमी जिसके पास 2 लाख रुपए का कैपिटल है, क्या आप मानते हैं वो ये सोच पाएगा कि किसी दिन मैं करोड़ रुपए कमाऊं इस 2 लाख से? उसको सोच भी नहीं पाएगा, सोचने के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए सामने, वो सोच भी नहीं पाएगा जी। खाली ऐसे ही नहीं सोचा जा सकता, राइट? सोचने के लिए भी कोई ग्राउंड चाहिए, राइट? ऐसे हर एक की जरूरतें अलग है, हर एक की सोच अलग है। पॉजिटिव एटीट्यूड या जो हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक लॉ है और ये लॉ काम करता है। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। ये काम करता है, इसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये जी, इसे साइंटिफिकली प्रूव किया गया। लेकिन सुनील, अगर चलिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि कौन, हर एक की जरूरतें सेम नहीं है। शायद मुझे करोड़पति बनने की चाह शायद आपको ना हो, शायद हमारे दर्शक को लगे कि वो अपनी जिंदगी में खुशियां दूसरी तरह से लाएं। खुशी की डेफिनेशन अलग है सबकी, किसी को पैसे से मिलती है, किसी को घर परिवार से मिलती है, किसी को सिर्फ इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे जैसा मैं चाह रही हूँ मेरी जिंदगी वैसी नहीं हो पा रही, कोई एक आम निवेशक ही है वो सोचता है कि मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आ पा रहा, तो वक्त कब होता है अपने उस समय को बदलने का? कब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया जा सकता है? क्या इसका समय है कोई? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपना कोई समय नहीं है। आप इसको दिन रात सोते जागते, आप चाहे नींद में हो, चाहे आप होश में हो, चाहे आप बेहोश हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली अपनी प्रोग्रामिंग है, अपने आप को, आपको ये विश्वास दिलाना है कि मैं इस लायक हूं इस चीज के। आज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, एक ट्रेडर हैं और आपकी एजुकेशन, आपकी रिसर्च उस लेवल की आ चुकी है कि आपको ये लगता है कि हाँ अब मैं ऐसा हो चुका हूं कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं मुनाफा कमा सकता हूं और ये पैसा एक दिन मुझे जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, यकीन रखिए वो पैसा आ जाएगा। चलिए, यानी ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, कभी कभार हम ये सोचते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, लेकिन अब हमें कॉन्शियस माइंड में करना है, हमें जान पूछ कर ऐसा सोचना है, क्योंकि वाकई अगर हम ऐसा करते भी है तो हमारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है और पाने के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। एक्चुअली आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। और आप ये देखिए, जब आप ये सोचना शुरू करते हैं, ये एक्चुअली मैंने फिर भी बोला, आपने भी बोला, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजें चेंज होंगी और वो ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, ऐसे लोग जिनके पास समझ है, आपके टच में आने लग जाएंगे। शराबी को शराबी मिल जाते हैं, चोरी करने वाले को चोर मिल जाते हैं। अच्छी हर एनर्जी अपने सामने वाली एनर्जी को ढूंढ लेती है जी। अगर आप में कुछ ऐसा है
कि जिसकी खुशबू अलग है, तो उस खुशबू को सूंघने वाला एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते, ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। हमारी सृष्टि ने सारी चीजें बनाई, हमारी नेचर ने बनाया अच्छा स्वभाव, अच्छी सोच, अच्छे लोग। यानी इन लोगों को अगर हम अट्रैक्ट करना शुरू कर दें, उनके बारे में सोचने लग जाएं, तो हमारी सारी चीजें अट्रैक्ट, हम उन चीजों को आकर्षित कर लेंगे अपनी ओर, जैसा हम बनना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं, देखिए शहद होता है ना, अब वो मक्खियों को बुलाने के लिए नहीं करता है, वो खुद इतना मीठा हो जाता है, मक्खियां आएंगी जाएंगी अपने आप। आपको खुद पे काम करना है एक्चुअली। अगर आप खुद पे काम करते हैं तो अगर आप में से एक खुशबू आती है तो कोई ना कोई आपकी तरफ आ ही जाएगा। उसको आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, इनविटेशन कार्ड नहीं देना है कि हाँ मेरे में ये है, आ जाएगा एक ना एक दिन। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स भी अब हर चीज को कनेक्ट कर रहे होंगे, और शायद यही सोच होती है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं सुनील कि हम अगर हमें कोई बुरा लग रहा है, कोई बुरी अप्रोच का आदमी है, बुरी सोच का आदमी, तो हम उन्हें अवॉइड करने लग जाते हैं। नेगेटिव लोगों को हम अवॉइड करने लग जाते हैं। साइंटिफिकली उसका रीजन ये है कि हम नेगेटिव एनर्जी नहीं चाह रहे होते। बिल्कुल, हम ऐसे लोगों को अपने देखिए आपके या आप हो या कोई भी आदमी हो, हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं स्टॉक्स की तरह, जैसे स्टॉक्स आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन वो रुकते नहीं है। जो लोग रह जाते हैं उनसे हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है, तभी रह पाते हैं, वरना रह ही नहीं पाते वो लोग। राइट, तो यानी आम इन्वेस्टर को बहुत संक्षेप में सुनील, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या सीख लेनी चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये सीख लेनी चाहिए उनको कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, और ये मान के चलिए कि अगर आप ये सब कुछ कर पाते हैं, या आप किसी से सलाह भी ले रहे हैं मान लीजिए, लेकिन विश्वास रखिए कि हाँ मैं जीत के ही बाहर आऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। वो बॉलर कभी आउट नहीं कर सकता जो सिर्फ रन बचाने के चक्कर में रहता है, आउट वही करता है जो आउट करने के लिए जाता है। चलिए, बिल्कुल अप्रोच आपको अलग रखनी होगी, यानी ये आकर्षण का सिद्धांत, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं, और आप खुद अपनी जिंदगी के लेखक है, खुद हसीन सपने देख भी सकते हैं और उन्हें साकार भी कर सकते हैं। यही उम्मीद रहेगी कि निवेशक भी अब सिर्फ अच्छी चीजों को, मुनाफे वाली चीजों के बारे में ही सोचें और मुनाफा, भरपूर मुनाफा कमा सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे बाजार शास्त्र में, आगे बात करेंगे कि निफ्टी पर किस तरह की रणनीति अब इसके बाद, यानी 6000 पर पहुंच गई है बाजार इस वक्त, और अब आगे किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या एक्शन लिया जा सकता है, जल्द वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र। बात होगी कि यहां से, यानी निफ्टी अब ऑलरेडी 6000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पर खड़ा है, इसके बाद क्या होना चाहिए आगे ट्रेडर्स की रणनीति? सुनील, लग रहा है कि बहुत ऊपर के लेवल हमने देख लिए बाजार में, अब क्या लग रहा है जो लोगों ने बहुत समय से होल्ड बैक करा हुआ है, क्या करें, वो यहां से बेच दें या फिर और ऊपर के लेवल से आप देख रहे हो? नहीं, जैसे हमारा पहले भी बात हुआ था, अभी मार्केट में निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल अभी आने बाकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, चार्ट लग रहा है, मतलब जो हम चार्ट पे देख पा रहे हैं, लेकिन यहां से ऊपर अब थोड़ी जो है मुश्किल हो जाएगा चढ़ाई। स्टेजेस जो हैं, स्टॉपेज जो है, वो थोड़े ज्यादा टाइम के रहेंगे, क्योंकि यहां तक तो अभी लोगों को समझ ही नहीं आया कि मार्केट 4500 से 6000 तक आ गया, और किसी ने अभी तक लिया तो कुछ है नहीं। बेचने की तो बात बहुत बाद में आएगी, पहले तो लेने की बात आएगी, लिया तो किसी ने कुछ है नहीं। और जिनके पास भी है वो भी ये सोच रहे हैं कि अभी आज ना गिर जाए, कल ना गिर जाए, इसलिए वो बेच के निकलना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास होल्ड है उनको हम बोलना चाहते हैं, अभी होल्ड कीजिए, अभी खेल बाकी है। हम जब प्राइस को फॉलो करते हैं तो हम इसीलिए पैसा कमा पाते हैं कि हमें वो चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मार्केट की साइकोलॉजी को आप ऐसे समझिए, एक कोट है बहुत पुराना, महात्मा गांधी जी का एक कोट है, उन्होंने कहा था एक बार कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू, एंड देन यू विन। पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, आप मतलब लोग जी, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और फिर आप जीत जाओगे। मार्केट भी यही होता है, मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है ना, पहले लोग इग्नोर करते हैं उसको,
फिर लोग उस पर हंसते हैं, अरे क्या कहाँ अभी आ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा ऊपर, आ जाएगा अभी नीचे। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लोग उससे फाइट करते हैं, ये थर्ड स्टेज चल रहा है, राइट right. लोग उससे फाइट कर रहे हैं, नहीं जाएगा 5,700-900 से ऊपर, नहीं जाएगा 6,000 से ऊपर, नहीं जाएगा 6,100 से ऊपर, नहीं जाएगा 6,200 से ऊपर। और थर्ड फोर्थ स्टेज जरूर आएगा जब मार्केट जीत जाएगा, जब ये सारे लोग जो आज फाइट कर रहे हैं ये सब मार्केट में आएंगे, सब लेंगे, उस दिन मार्केट के अंदर आप किसी बड़े फॉल की बात कर सकते हैं। बाकी देखिए 2-4% का करेक्शन इधर उधर तो मार्केट का पार्ट है, राइट right. मार्केट अपने नए हाई पे काम कर रहा है एग्जैक्टली और शायद और ऊपर के लेवल हम देख सके बजट तक भी, ऐसी भी एक्सपेक्टेशन है या फिर उसके बाद भी। लेकिन बाजार में एक अपस्विंग, एक अप डायरेक्शन अब भी बनी हुई है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत आप आज से और अभी से अपनाना शुरू कर देंगे। इसी के साथ सुनील बहुत बहुत शुक्रिया शो में बने रहने के लिए। अगले हफ्ते हमारे दर्शकों से फिर होगी मुलाकात, तब तक भेजते रहे हमें आप अपने सवाल bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जिसमें अगर कोई सुझाव भेजना चाहते हैं, कोई सवाल भेजना चाहते हैं, फंडामेंटल किसी इवेंट को समझना चाहते हैं, फंडामेंटल ट्रिगर को समझना चाहते हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, या फिर बाजार शास्त्र में किसी मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, इंतजार रहेगा आपके सवाल का। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।